हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजी। आज हम बात करने वाले हैं प्लस टू का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ बायो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। उसके अंदर एक सब टॉपिक है, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मोटो वही रहेगा, बेस गाइड एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमने कितना और कहाँ तक पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। चलिए जी, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें से एक टूल है, दैट इज़ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इन द ईयर 1963, द टू एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन इकोलाई were isolated. One of these added methyl group to DNA and other cut the DNA. The latter was called restriction endonuclease. The first restriction endonuclease, HindI2, whose functioning depended on specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. It was found that HindI2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. ये question NEET के अंदर आ चुका हुआ है कि HindI2 कितने base pair sequence को recognize करता है। This specific base sequence is known as recognition sequence for HindI2. Beside HindI2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. Okay, so the convention naming की बाद में बात करते हैं। तो पहले हम जरा इसी की बात कर लें कि जो ये NCERT आपके लिए लिख रही है कि 1963 में एक सिस्टम डिवाइस हुआ जिसके अंदर हमें दो एंजाइम्स मिले, दैट इज़ वन इज़ कॉल्ड एज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड सेकेंड जो डीएनए को मॉडिफाई करता है उसको हम मॉडिफाइंग एंजाइम भी कहते हैं और मिथाइलेज भी कहते हैं। लेट मी जस्ट वुड लाइक टू पुट सम स्टोरी अबाउट इट। मैं वैसे तो वो आपके सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी कोट करना चाहूँगी जो कि हमने एक पेपर से उठाई हुई है। तो वो स्टोरी क्या है, वो स्टोरी बेसिकली इसी सीक्वेंस के बारे में है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से क्लियर हो जाती हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हैं? दे आर कॉमनली कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे काटने वाली सीजर्स। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। ओके, दे बेसिकली कट द डीएनए। ये डीएनए को कट करती हैं। इसकी वर्किंग हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी इतना ही कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड को काट रहा है, सो इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द एंजाइम्स दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द एक्सोन्यूक्लियस एंड अदर इज कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियस। अब जो एक्सोन्यूक्लियस है वो कैसे काम करता है? वो बेसिकली टिप्स के ऊपर काम करता है। जैसे इस टिप पे काम किया, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल भाई कि एक स्ट्रैंड के ऊपर काटा या एक बेस पेयर को अलग किया, और जो एंडोन्यूक्लियस है वो आपको डीएनए को बीचों बीच काटेगा। आई मीन इट विल कट विद इन द डीएनए सीक्वेंस, इट इज़ नॉट कटिंग द टर्मिनल एंड्स। तो जो टर्मिनल एंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि इसने एक बेस पेयर आपका जो था वो बाहर निकल गया अलग से और ये बाकी के बेस पेयर्स यहाँ रह गए। अब ये 5' क्रिएट हो गया, ये 3' क्रिएट हो गया और ये आपके इस तरह से, ये जो मैंने लंबा पॉइंट दिखाया है वो बेसिकली ये सीक्वेंस दिखा रही हूँ ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए
कि किस तरह से ये कट कर रहा है आपको। तो इस तरह से इसने काट दिया। अब ये भी हो सकता था कि अगर ये दोनों स्ट्रैंड्स पे कट करे इस तरह से, तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपके यहाँ पे कट करता है तो ये यहाँ से भी अलग कर देगा उसको इस तरह से। सो टर्मिनल बेस पेयर्स को हम अलग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सोन्यूक्लियस। इट इज एक्टिंग एट द टर्मिनल एंड्स ऑन आइदर साइड। इट कैन वर्क ऑन दिस साइड, इट कैन वर्क ऑन दिस साइड ऑल्सो। नाउ वी कमिंग टू एंडोन्यूक्लियसेस। अब दिस एंडोन्यूक्लियस इज बेसिकली, ये इस तरह से इसने डीएनए को काट दिया। अगर तो ये सिंगल निक क्रिएट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, ये सिंगल निक यानी एक स्ट्रैंड पे निकिंग है। अगर ये दोनों स्ट्रैंड से ऊपर कर रहा है इस तरह से, तो फिर ये निकिंग इस तरह से हो जाएगी। सो इट विल कट द स्ट्रैंड लाइक दिस। तो आपके पास इस तरह से स्ट्रैंड्स क्रिएट हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। दिस वन मोर वे ऑल्सो, जिसमें कि ये कुछ इस तरह से काटेगा, एसिमेट्रिक सा काटेगा। समथिंग लाइक दिस, इट कैन कट लाइक हेयर एंड इट विल कट लाइक हेयर। तो अगर कुछ इस तरह से कटिंग हो रही है, तो ये बेस पेयर कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं। इस तरह से और ऐसे ही इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। तो जो इस तरह से क्रिएट हो रहे हैं उनको हम वी आर कॉलिंग इट एज अ स्टिकी एंड्स। तो ये आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पे अनपेयर्ड बेस पेयर्स बचे हुए हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द स्टिकी एंड्स। तो स्टिकी एंड्स क्रिएट हो गए और इनको हम ब्लंट एंड्स भी कहते हैं, सॉरी स्टिकी एंड्स और वी कॉल इट एज ओवरहैंग्स, ओवरहैंग्स। सो ओवरहैंग्स और स्टिकी एंड्स और स्टैगर्ड एंड्स क्रिएट हो जाते हैं। सो इस तरह से जो एंडोन्यूक्लियसेस हैं, दे बेसिकली कट द डीएनए सीक्वेंस विद इन एक्सेप्ट टर्मिनल एंड्स। और जो टर्मिनल पॉइंट्स पे काटें, दे आर कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस। मैंने ये यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस। तो जो आरीज हैं, आरीज, दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस, यानी दे विल कट द डीएनए विद इन द सीक्वेंस नॉट एट द टर्मिनल एंड्स। अब किस तरह से काटते हैं उसकी बारे में बाद में बात करते हैं। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कॉमनली हम मॉलिक्यूलोसिस कहते हैं। देन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं हमारे, दे बेसिकली बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडो न्यूक्लियसिस। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया न्यूक्लियसिस एक्जो और एंडो दो तरह के होते हैं, और आरीज जो हैं वो एंडो की कैटेगरी है। नाउ ये वो बात है जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि भी किस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं इन्होंने काम किया। कि हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे कि 1963 के अंदर हमारे पास दो एंजाइम्स डिस्कवर हुए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो डिस्कवरी है, इसका क्रेडिट जाता है आर्बर, नाथन एंड स्मिथ को। नाउ कहानी शुरू होती है 1950s में, अर्ली 1950s में। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट आई वुड लाइक टू tell you to make you more clarify, I mean more clear about the story जो ये दो लाइनों के पीछे लिखी हुई है। वो कहते हैं 1950s के अंदर experiment by two teams such as Salvador Luria working with Mary Human and Joe Bertani working with Jean Wiggle showed that some strains of bacteria were more resistant to viral infection than others. Actually story क्या है, they wanted to multiply the bacteriophage,
वो बैक्टीरियोफाज को, यानी कि एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है। तो ये बैक्टीरिया फाज को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे थे उसके जीनोम को इन द बैक्टीरिया। सो व्हेन दे इंट्रोड्यूस द बैक्टीरियोफाजेस इन द स्ट्रेन्स ऑफ द इकोलाई, तो उनको दिखा कि एक स्ट्रेन जिसको उन्होंने बाद में इकोलाई के करके नाम दिया कि भाई ये स्ट्रेन जो है ये बैक्टीरियोफाज को ग्रो नहीं करने दे रहा, इट इज़ मोर रेजिस्टेंट, यानी जितने बाकी वल्नरेबल हैं ये उतना वल्नरेबल नहीं है। द रिसर्चर्स फाउंड दैट सम स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया आर लेस वल्नरेबल टू बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शंस देन अदर्स एंड रेजिस्टेड द हाईजैकिंग ऑफ देयर सेल मशीनरी बैक्टीरियोफाज, यानी वो बैक्टीरिया को अलाउ ही नहीं कर रहा, बैक्टीरिया अलाउ ही नहीं कर रहा कि बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियोफेज उनके अंदर ग्रो करें। कि वायरस क्या करता है, होस्ट की मशीनरी को हाईजैक करता है और खुद मल्टीप्लाई करता है, उसने ही रोक दिया। अब ये हो गया 1950s में अर्ली। अब आती है द डिस्कवरी ऑफ एक्चुअली, बस ये पता लग गया था कोई तो चीज़ है, कि भी कोई कुछ है जिसकी वजह से ये उसको ग्रो नहीं करने दे रहे। द डिस्कवरी ऑफ आरिस बिगेन विद द हाइपोथेसिस इन 1960s, 1960 के आसपास वार्नर ऑब्जर्व्ड अ ड्रामेटिक चेंज इन द बैक्टीरियोफाज डीएनए आफ्टर इट इन्वेडेड दीज रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। तो उसने क्या देखा कि भाई जब हम ये जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं उनके अंदर जब डालते हैं बैक्टीरियोफाज को, तो उसका डीएनए में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इट वॉज डिग्रेडेड एंड कट इन टू पीसेस, वो तो टूट ही गया। अब इसी बात पे आगे कहानी आई आर्बर की। अब इन्होंने क्या किया, जो आर्बर थे, आर्बर देन पोजिटेड दैट बैक्टीरियोफाज रेजिस्टेंट बैक्टीरियल सेल्स माइट एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक एंजाइम दैट डिग्रेड ओनली इन्वेडिंग बैक्टीरियोफाज डीएनए बट नॉट देयर ओन डीएनए। अब आर्बर ने एक हाइपोथेसिस दिया, वो क्या था हाइपोथेसिस, कि भाई इस बात पे कि भाई कुछ तो है, कि भाई जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जब हम वायरस का डीएनए एंटर करता है उसको काट रहा है, पर अपने डीएनए को नहीं काट रहा, ऐसा क्यों है। नाउ वो कहता है इट ओनली डिग्रेड्स इनवेडिंग बैक्टीरियोफाज डीएनए बट नॉट देयर ओन डीएनए। अब क्वेश्चन आया हाउ डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, इस एंजाइम को कैसे पता कि ये बाहर की चीज़ है और ये मेरी चीज़ है। नाउ आर्बर ने फिर एक हाइपोथेसिस दिया, द बैक्टीरियल सेल माइट एक्सप्रेस टू टाइप ऑफ एंजाइम, शायद दो तरह के एंजाइम्स हैं, ए आरी दैट रिकोगनाइजेस एंड कट अप द फॉरेन बैक्टीरियोफाज डीएनए एंड अ मॉडिफिकेशन एंजाइम। ये वही बात है जो एनसीईआरटी कर रही है। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, 1963 में ये डिस्कवरी आर्बर की है, इसी को रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। सो उसके बारे में, इसको मैं समाप्त करने के बारे में बताती हूँ फिर क्या है। सो अ मॉडिफाइंग एंजाइम दैट रिकोगनाइजेज एंड मॉडिफाइड द बैक्टीरियल डीएनए टू प्रोटेक्ट इट। अभी उसने हाइपोथेसिस दिया कि भी दो एंजाइम है, एक काट रहा है और दूसरा डीएनए को मॉडिफाई कर रहा है फ्रॉम द डीएनए डिग्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ इट्स ओन वेरी आरी, कि कोई ना कोई ऐसा एंजाइम है जो अपने ही आरी को रोक रहा है कि वो डीएनए को ना काटे, बट वो दूसरे डीएनए को काट रहा है, यानी ये वाला जो एंजाइम है वो अपने के लिए काम कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं कर रहा, दैट इज वाई दैट आरी इज एबल टू कट। ही प्रिडिक्टेड आरी एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम एक्ट ऑन द सेम डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रेकोग्निशन सीक्वेंस। देख लीजिए ये नाम, अभी रेकोग्निशन सीक्वेंस हमने हिंदी 2 के लिए एनसीईआरटी में पढ़ा था। सो रेकोग्निशन सीक्वेंस वो होता है जिसको आपका आरी जो है वो रिकोगनाइज करता है और उसको काट रहा है। सो दीज प्रोडक्शंस वर कन्फर्म्ड इन लेट 1960s बाय स्टुअर्ट लिन एंड आर्बर व्हेन दे आइसोलेट मॉडिफाइंग एंजाइम कॉल्ड मिथाइलेस एंड आरी रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियोफाज रेजिस्टेंस इन इकोलाई। बट मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो आरी उन्होंने आइसोलेट किया था वो बेसिकली टाइप 1 आरी था। अब ये टाइप 1 टाइप 2 क्या होते हैं थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो हमें इतनी बात समझ में आई कि आर्बर ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया था कि भी ऐसा, उसने एक सपोजिशंस लगाई और बाद में वो सपोजिशन जो थी वो फाइनली प्रूव होगी। सो कि भी हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ निकाल ही ली
जब निकाल कर पेश ही कर दी सामने आए, प्रूफ ही दे दिया, तो फिर वो हाइपोथेसिस थोड़ा रह गया, फिर तो वो थ्योरी होगी। अब द मिथाइलेस एंजाइम एड प्रोटेक्टिव ग्रुप मिथाइल ग्रुप टू डीएनए एंड आरी कट अनमिथाइलेटेड डीएनए एट मल्टीपल लोकेशन अलोंग इट्स लेंथ। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अनप्रोटेक्टेड डीएनए को काटेगा, और जिस डीएनए को मिथाइलेस प्रोटेक्ट कर देता है उसको आरी नहीं काट पाता। इसीलिए जो डीएनए आरी भी प्रोड्यूस करने वाला कर रहा है और एमई भी कर रहा है, एमई उसके अपने डीएनए को बचा लेता है और आरी जो है वो उसको नहीं काट पाता, बट आरी दूसरे डीएनए को काट पाएगा जिसके अंदर सेम सीक्वेंस पड़ा हुआ है, और ये मॉडिफाइंग एंजाइम उसी सीक्वेंस को मॉडिफाई कर देता है, उसको मिथाइलेटेड कर देते हैं बेसिकली। सो ज़्यादातर साइटोसिन गुआनिन ये मिथाइलेटेड हो जाते हैं, तो वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस चेंज हो गया उसके लिए, तो इसीलिए वो उसको नहीं कर पाया। अ फ्यू ईयर्स लेटर इन 1970s ये जो चीज़ लिखी है वो कहता है 63 में जो था ये डिस्कवर हुआ, यानी अभी मैंने जो बात करी, और एनसीईआरटी बोलती है 67 में आपके पास जो था फर्स्ट एंजाइम निकला, आई मीन 67-68 के आसपास की बात कर रही, बिकॉज फाइव ईयर लेटर का मतलब हो गया 1968। सो 1968 के अंदर हिंडी टू निकला, बट जो डाटा अवेलेबल है वो डाटा यहाँ पे बात कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली आपके कि ये जो है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1968। एनीवे इट इज़ हम ये कह सकते हैं नियर अबाउट 70s और अर्ली 70s में। हैमिल्टन स्मिथ नॉट ओनली इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड आर्बर्स हाइपोथेसिस बट ऑल्सो एलाबोरेटेड ऑन इनिशियल डिस्कवरी ऑफ लिनन आर्बर। उसने जो पहले तो आर्बर ने ही अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव किया, अब इसने उसके पे फिर काम किया इंडिपेंडेंटली और उसने ये बात कही कि हाँ ये जो जो कह रहे हैं ये ठीक है। ही सक्सेसफुली प्यूरिफाइड आरी फ्रॉम अनदर बैक्टीरियम दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। उसने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से ये बैक्टीरिया से एक एंजाइम निकाला हिंडी टू, तभी एनसीईआरटी लिखती है करेक्टराइज्ड फाइव ईयर लेटर डीएनए सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड करेक्टराइज्ड फाइव ईयर लेटर। अब वो कहानी यहाँ पे है, तो उसने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से एक एंजाइम निकाला एंड दिस एंजाइम कट डीएनए एट द सेंटर ऑफ स्पेसिफिक सिक्स बेस पेयर सीक्वेंस। तो ये सिक्स बेस पेयर सीक्वेंस को काट रहा था, तो अब ये बात हो गई कि बी एस, और ये सीक्वेंस था जी टी सी जी ए सी, जी टी सी जी ए सी, इसने इस सीक्वेंस को काटा, छः बेस पेयर का सीक्वेंस था, और वो देखते हैं कि ये सेंटर में काट रहा है, बेसिकली आपके ब्लंट एंड क्रिएट्स कर रहा है। He also showed that this enzyme did not cut at this very same sequence when it occur in hemophilus influenzae host cell. मतलब उसने क्या देखा कि जो मैंने एंजाइम निकाला है ये सेम एंजाइम जिस डीएनए को काट रहा है बाहर, जिस सीक्वेंस को बाहर काट रहा है, सेम सीक्वेंस इसके अपने डीएनए में है लेकिन ये वहाँ नहीं काट पा रहा, तो बात प्रूव होगी कि भी अपने डीएनए को बचाने के लिए कुछ तो था, और दैट वॉज मॉडिफाइंग एंजाइम जिसके बारे में आप बात कर रहा था। बिल्डिंग ऑन दिस रिजल्ट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हाउ आरी कैन बी यूज एज अ टूल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसी बात से पहली बार जो ग्लिम्स मिला कि कैसे हम इस आरी को यूज कर सकते हैं, दैट वॉज वन ईयर आफ्टर। वो कौन था? डैन नाथन्स एंड कैथीन डैना, दे यूज स्मिथ एंजाइम, मतलब उसने हिंडी टू को यूज किया टू कट 5000 बेस पेयर जीनोम ऑफ SV40। अब जरा बात करें, एक ने एंजाइम की डिस्कवरी डिस्कवरी करी, पहले हाइपोथेसिस दिया फिर डिस्कवरी प्रूव होगी। सेकंड ने जो उसने बात कही कि हाँ एंजाइम है, उसने एक निकाल के ही दिखा दिया कि ये एक तरह का एंजाइम है, ऐसे पता नहीं कितने होंगे, उसने वो निकाल दिया, दैट वॉज स्मिथ। थर्ड ने क्या किया, स्मिथ ने जो एंजाइम निकाला था उसने उसी से डीएनए भी काट के दिखा दिया कि भी इनविट्रो कंडीशन में हम काट सकते हैं, उसने भी काटा, इसने भी काट दिया। और उसने यही नहीं काटा, उसने जो डीएनए की सीक्वेंसेस देखे उससे ये बात समझ में आ गई, उसने तो उसको जब सीक्वेंसेस को स्टडी किया तो उन्होंने तो पूरा जीनोम ही सीक्वेंस कर दिया उसको उठा के, कि यानी हम
आरी से काट के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स निकालते हैं उससे इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप उस पर्टिकुलर जिसका काटा है डीएनए, आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीनोम भी सीक्वेंस कर सकते हो. और ये तो ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज हो गई. दैट इज़ वाई हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत 1970 के आसपास, 1970 के आसपास जब हुई, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवर होना और उसका यूज़ होना लैब में, और दूसरा प्लाज्मिड्स, ये हम बाद में बात करेंगे. ये जो दो चीज़ें हैं जिसने पूरी ही साइंस का मतलब एक रूप ही चेंज कर दिया, जिसको अप्लाइड बायोलॉजी आ गई कि हाँ हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. लेटर नाथन्स लैब शोड व्हेन द SV40 वाज जीनोम वाज डाइजेस्टेड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ आरई द साइजेस ऑफ रिजल्टिंग पीस ऑफ डीएनए कुड बी यूज्ड टू डिड्यूस फिजिकल मैप ऑफ SV40. आप उसका फिजिकल मैप बना सकते हो. अ ग्राउंड ब्रेकिंग मैथड और इनफ्रिंग द जीन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन. आज हम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कर चुके हैं, ये सब कुछ चीज़ें जो हुई हैं ऑफकोर्स उनके लिए ये सारी पीछे काफ़ी हद तक हेल्पफुल रही हैं. आरई बिकेम अ पावरफुल टूल फॉर जेनरेटिंग फिजिकल मैप ऑफ मल्टीट्यूड्स ऑफ जीनोम, दैट इज जीनोम सीक्वेंस. फॉर दिस ग्राउंड ब्रेकिंग सेट ऑफ डिस्कवरीज आर्बर, नाथन एंड स्मिथ वर अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1978. तो NCERT ने तो दो लाइनें लिखी बट मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया. तो अब जरा हम वापस आते हैं NCERT पे. NCERT और क्या कहना चाह रही है? ओके जी, सो द कन्वेंशनल नेमिंग ये हमारी आएगी थोड़ी बाद में. पहले हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस. टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियसेस, एक्सो न्यूक्लियसेस एंड एंडो न्यूक्लियसेस. ओके, सो वी हैव एक्सो न्यूक्लियसेस एज वेल एज एंडो न्यूक्लियसेस. नाउ एक्सो न्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, वेयर एज एंडो न्यूक्लियस मे कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए. ईच रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस. Once it's found with recognition sequence, specific sequence, it will bind to DNA and cut each of two strands of double helix at specific point in the sugar phosphate bond. Each RE recognize a specific palindromic sequence on the DNA. Ab ye kya baat hai? What is palindromic sequence and ye kya? Do you know what a palindromes are? They are the group of letters that form same word when read both forward and backward, जैसे कि मलयालम, as against word palindrome, where the same word is read in both direction. The palindrome in DNA is the sequence whose base pair read same on two strands when reading orientation is kept the same. That is, either we are reading from 5 to 3 or we are reading from 3 to 5. चलो जी पहले इसकी बात कर लेते हैं. सो वर्किंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आरईस. तो आरई किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं? ओके जी, तो आरईस का जो मैकेनिज्म है बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ डीएनए and recognize a particular sequence called recognition sequence, or we call it as palindromic nucleotide sequence. Palindromic nucleotides sequence. So this is the recognition sequence and palindromic nucleotide sequence. What is this? सबसे पहले what is palindrome? Palindrome क्या चीज होती है? Palindromic sequence होता है self-repeating sequence.
repeating sequence in both directions. In both directions, that is forward and backward. क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे कि आपने यहाँ पे हम बात करें मदाम, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ तो भी ये मदाम है, इसको ऐसे पढ़ूँ तो भी मदाम है. इफ आई से मलयालम, तो आप ये देखिए ये स्पेलिंग ऑलमोस्ट एक सेम साइड पे रिपीट कर रहे हैं. सो दिस इज योर व्हाट यू कॉल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. बट ये सिंगल लाइन पैलिंड्रोम है, जो डीएनए है वो डबल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया, डबल लाइन सीक्वेंस हो गया बेसिकली. सो व्हाट इज पैलिंड्रोम ऑन डीएनए? द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोम ऑन डीएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या लिखती है एनसीईआरटी? ऑन डीएनए इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑन बोथ स्ट्रैंड्स व्हेन रीडिंग ओरिएंटेशन इज कैप्ट सेम, इज कैप्ट सेम. Now, if you see this sequence, ये जो sequence हम दिखा रहे हैं आपको GAATTC, यानी 5-2-3 अगर मैं पढ़ती हूँ, और अगर मैं इधर भी 5-2-3 पढ़ती हूँ तो GAATTC ही है. अगर मैं 3-5 पढ़ रही हूँ तो CTTAAG, इधर भी पढ़ूंगी तो CTTAAG ही आएगा. So, we get that is either 5-2-3- or 3-2-5-. तो आप ये देख सकते हैं GAATTC ये 5-2-3 चल रहा है, और GAATTC आप इधर भी देखो तो ये भी आपका जो है वो किस तरह से चल रहा है. दैट इज़ अगर मैं ये सीक्वेंस लेके चलूँगी तो ये मेरा इधर सीक्वेंस जो है वो 5-2-3 ही आएगा. सो ये तो हो गया आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में. अब आरई काम कैसे करता है? आरई इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है. बेसिकली आरई रिकॉग्नाइजेस, आरई रिकॉग्नाइजेस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड कट आइदर within or just little away from the center. या तो within center काटेगा या little away from the center काटेगा. At sugar phosphate bond, ऑन ईच स्ट्रैंड, मतलब उसने काटना है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड पे दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर. और ये याद रखना, जैसे यहां पे वो जी और ए में काट रहा है तो इधर भी जी और ए में ही काटेगा. तो ये कटिंग इस तरह से हो जाएगी जिससे ये आपके पास जी, ये सी, और ये आप देखिए यहां पे ये 5- हो गया, और सी वाली साइड पे इधर आपके पास ओवरहैंग्स क्रिएट हो गए TTAA. ऐसे ही आप ये देख लीजिए, इधर सी और जी हैंग्स TTAA क्रिएट हो गए. तो ये आपके पास जो हैंग्स क्रिएट हुए हैं, यानी जो सीक्वेंस क्रिएट हुआ है, दे आर, दिस इज what you call sticky ends. तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ये आपके sticky ends create हुए, sticky ends, or we call them as staggered ends.
ये क्रिएट हो गए, इनको हम ओवरहैंग्स भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम एज क्लिप्ड एंड्स। तो ये सारे इसी के नाम हैं। इसी तरह का एक सीक्वेंस मैं और डिस्कस कर रही हूँ आपके पास, दैट इज ये देखिए, ये हिंदी टू का सीक्वेंस है, GTC GAC। ये सीक्वेंस जो है ये हिंदी टू का सीक्वेंस है, 5 3 एंड 3 5। ये आ गया, तो ये आपके पास सीक्वेंस आ गया। अब जो ये वाला बेस पे रही, ये कैसे काट रहा है उसको, ये उसको बिल्कुल सेंटर से काट रहा है, ये यहां काट रहा है। और जब ये इसको इस तरह से काट रहा है, तो आप ये देखिए किस तरह के एंड्स ये क्रिएट करेगा, इट विल क्रिएट एंड्स लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस। तो ये इस तरह के एंड्स को इसने क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है। लुक एट दिस। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस आपका क्रिएट हो गया। नाउ दीज आर कॉल्ड एज ब्लंट एंड्स। एक्चुअली ब्लंट एंड्स को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यू नीड टू मेक देम क्लिपी। तो हम क्या करते हैं, नाउ टू यूज ब्लंट एंड्स एंड्स वी नीड टू मेक देम स्टिकी। सो दिस इज डन बाय यूज ऑफ Poly A and Poly T tail by enzyme terminal transferase। एक terminal transferase नाम का enzyme है जिसको हम use करते हैं to do this so as to make them sticky। ये एक side पे इसने poly A tail डाल दी और एक side पे इसने आपको पॉली टी टेल डाल दी, और इस तरह से ये आपने उसके स्टिकी एंड्स क्रिएट कर दिए। तो दैट इज हाउ इट इज अ क्रिएटिंग स्टिकी एंड्स। ये देखिए इस तरह से वी हैड क्रिएटेड द स्टिकी एंड्स। तो तब हम उसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग इट। तो देख लीजिए यहां पे restriction enzymes cut the strand of DNA little away from the center of palindromic site but between the same base pair on two opposite strands. This leaves single strand portion at one end. They are overhang stretches called sticky ends on each strand. They are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterparts. तो जब ये जुड़ेंगे तो आपस में hydrogen bonds बना लेंगे। The stickiness of ends facilitate the action of enzyme DNA ligase. तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, why we need to make them sticky, because DNA ligase ऐसे काम ही नहीं कर पाएगा। The restriction endonuclease are used in genetic engineer to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources or genome. तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से restriction enzyme से काट कर उनको हम different तरीके से जोड़ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट योर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की थोड़ी सी बैकग्राउंड। तो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हैं और फिर हम उनकी नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं। सो दिस इज वेयर आई लेफ्ट कि भी हम टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितने तरह के होते हैं हमारे पास। ओके, सो कमिंग बैक हेयर, टाइप्स ऑफ REs कितनी तरह के हैं। सो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ REs वी हैव। फर्स्ट इज टाइप 1 RE। टाइप 1 RE क्या करता है, इट रिकॉग्नाइज
and recognize the recognition sequence. Recognition sequence. But cuts away from them. तो ये जाकर कहीं और ही काट के आ जाते हैं, जहां जरूरत होती है वहां नहीं काटते हैं. ओके इसके अलावा इसके अंदर आपको एटीपी का रिक्वायरमेंट है, एक कोएंजाइम का रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम आयंस का रिक्वायरमेंट रहता है. मीन्स इट नीड सर्टन कोफैक्टर्स एटीपी एंड सर्टन आयंस फॉर इट्स वर्किंग. ये भी फ़र्क है, बट वो आपके स्कोप में नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही. टाइप टू क्या करता है, इट रिकॉग्नाइजेस जो है, इट रिकॉग्नाइज द टाइप टू आरीज जो है, दैट रिकॉग्नाइज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक और रिकॉग्निशन और स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड कट विद इन देम. कट विद इन देम एनसीईआरटी कहती है वो लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर काट रहे हैं, बट अभी हमने दोनों एग्जाम्पल दी, दे कट विद इन देम आइदर इन द सेंटर एट द एग्जैक्ट एट द सेंटर और मे बी लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर प्रोड्यूसिंग द स्टिकी एंड्स विद इन देम आइदर आइदर इन द सेंटर. यानी फिर ये ब्लंट एंड आ जाएंगे और लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर. और यहां पे ये क्या क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा आपके स्टिकी एंड्स. एंड टाइप टू आरीज आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो बायोटेक्नोलॉजी में किसका यूज किया जाता है, दैट इज टाइप टू आरीज का यूज किया जाता है. टाइप थ्री का भी सेम इश्यू है, रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस एंड कट अवे फ्रॉम इट. एंड दिस रिकॉग्नाइज एंड कट एंड कट एट मॉडिफाइड सीक्वेंस. तो ये मॉडिफाइड सीक्वेंस के ऊपर काम करता है, बट ऑफ कोर्स हमारे जो स्कोप में है, हमारे स्कोप में ना तो ये है और ना ही हमारे स्कोप में टाइप वन है, ना टाइप थ्री है, ना टाइप फोर है. बायोटेक्नोलॉजी में हम जो हैं वो बेसिकली टाइप टू को यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने वहीं काटना है जहाँ हमारी ज़रूरत है. अब क्वेश्चन ये आता है भी बाकी क्यों नहीं कर सकते. अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिए, बैक्टीरिया ने डीएनए को काटना है. बैक्टीरिया नहीं चाहता कि वायरस का डीएनए आए. बैक्टीरिया वॉन्ट्स टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफाज, दैट इज वाई उसने क्या किया, उसने तो रैंडमली डीएनए को काट दिया. क्या फर्क पड़ता है जिसको रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया, उसने रिकॉग्नाइज किया, कुछ ने आरीज ने वहीं काटा, कुछ ने कहीं और जाके काट दिया. कुल मिलाकर रिजल्ट वॉज दैट डीएनए हैज टू बी कट. डीएनए मरना चाहिए, डीएनए कटना चाहिए, चाहे कहीं भी कटे, ताकि वो वायरस ग्रो ना करे. बट हमारी हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट डीएनए काटना नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे काटना है. दैट इज व्हाई वी नीड अ स्पेसिफिक एंजाइम्स. सो दैट इज व्हाई हम जो यूज करते हैं वो टू करते हैं. एक क्वेश्चन तो यहीं पे आपका आ गया होगा समझ में. दूसरा यहाँ पे अक्सर आता है कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम बात करते हैं हिंडी टू है, ठीक है, जो आइसोलेट किया, जैसे मैंने डिस्कस किया स्मिथ ने किया, ओके, जो कि सिक्स बेस पेयर पर काटते हैं. तो बाकी सारे आरीज क्या काटते हैं, जो आरीज हैं जेनली, जो आरीज हैं वो किस लेंथ को रिकॉग्नाइज करते हैं. आरीज नॉर्मली रिकॉग्नाइज द लेंथ ऑफ 4 to 8 बेस पेयर. आरीज जेनली रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस ऑफ 4 to 8 बेस पेयर, जिसमें हम बात कर रहे थे कि भी हिंडी टू का सिक्स बेस पेयर है. दूसरा,
जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये टर्म मुझे पहले भी बोलनी चाहिए थी आपको, पर मैंने नहीं उस टाइम पे डिस्कस किया, क्योंकि ये वर्ड, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रखा ही क्यों है? अब शायद ये मुझे बताना इजी होगा आपके लिए, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन वर्ड कहाँ से आया है? द टर्म रिस्ट्रिक्शन कम्स एज बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ, टर्म कम्स फ्रॉम restricting the growth of bacteriophage by bacteria. Since bacteria is restricting the growth, that is why ये term आपके पास आई, restriction. Okay जी, so last topic में अब बात करेंगे कि हम आरी की नेमिंग कैसे करते हैं. व्हाट इज द रूल फॉर द नेमिंग ऑफ आरी? जरा पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी जी क्या कहती हैं. ओके, कमिंग बैक टू एनसीईआरटी, कहता है द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस. जीनस सेकेंड टू लेटर्स कम्स फ्रॉम स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड. And example, Eco R1 comes from Escherichia coli RY13. In Eco R1, the letter R is derived from the name of, from the name of the bacteria. तो ये उसके नाम से आपका आया है. अगर हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से ये आगे मूव करेगा. ओके, so the Roman number following the names indicate the order in which the enzymes were isolated from that strain. तो जिस भी order में आपने निकाले हैं उसी का number हम Roman number आगे दे देते हैं. तो देख लीजिए हम naming of RE कैसे कहते हैं. जैसे हमने example ली E को R 1, E stand for genus, second two letters they stand for species, this is standing from strain, और ये Roman number जो है ये क्या बता रहा है, the sequence or the specific order in which the enzyme is isolated from that very strain. Okay जी, तो genus यहाँ पे आपका क्या था, that was, आप यह देख ही चुके हैं, genus हमारा Escherichia coli था, that is Escherichia coli, that is the genus, और Escherichia species में we have coli, strain is RY13 and it is the first enzyme to be isolated from, first enzyme isolated from this Eco RY13. इसका मतलब ये था. अब जैसे इको टू हो गया तो इसका मतलब सेकेंड एंजाइम हो गया. अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं, आई विल फिनिश द थिंग. अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंजाइम हमारा जो डिस्कवर हुआ था वो था जी हिंदी टू. हिंदी टू का मतलब क्या हुआ, दिस वॉज फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, आरडी स्ट्रेन है ये जिससे निकला है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी स्ट्रेन से निकलने वाला सेकेंड एंजाइम. अब व्हाट वाज द फर्स्ट एंजाइम, हिंडी वन कहाँ है? एक्चुअली जो हिंडी वन है ये हमारे टाइप टू कैटेगरी के एंजाइम्स हैं, और जो आपका हिंडी वन है वो टाइप वन कैटेगरी है. इसीलिए उसको जो हम बात ही कर रहे थे
कि बायो टेक्नोलॉजी में किसकी बात करनी है, टाइप टू की करनी है. सो दैट्स ऑल विद टुडे विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो एक नटशेल में हमने क्या किया, मैंने आपसे नेमिंग डिस्कस करी, फिर आई हैव डिस्कस्ड कि भी आपका जो एंजाइम है वो काम कैसे करता है, व्हाट इज़ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उसका वर्किंग मैकेनिज्म. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स 1, 2, 3 and 4, एंड देन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट लिटिल बिट यू नो अ स्टोरी टेलिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द एंजाइम टू मेक टॉपिक लिटिल मोर क्लियर, ताकि जो टर्मिनोलॉजी बीच बीच में आ रही है कि वो क्या था. सो जो हम RMS सिस्टम की बात कर रहे थे, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या है आपका, उसको एक नटशेल कर देते हैं. रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ये क्या कहता है, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज देयर डिफेंस मैकेनिज्म. तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, और इस डिफेंस मैकेनिज्म के चलते इस रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में दो एंजाइम्स काम करते हैं. हैव टू एंजाइम्स, वन इज आरी एंड सेकेंड इज मॉडिफाइंग एंजाइम और मिथाइलेज. एक मार रहा है, दूसरा बचा रहा है, लेकिन बाहर वाले को नहीं बचा रहा, अपने आप को बचा रहा है. सो दैट्स ऑल विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. होप यू लाइक द चैप्टर एंड होप यू आई एम डूइंग माई जॉब, है ना, कि आपको अंडरस्टैंड करवा सकूँ. इफ़ यू रियली लाइक इट तो प्लीज़ हेल्प इट टू स्प्रेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ.